हेलो फ्रेंड्स, makefoodeasy.com में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड शिमला मिर्च, जो कि सबको बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी से अगर शिमला मिर्च बनाएंगे तो आपके घर में सभी को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टफ्ड शिमला मिर्च बनाना। शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून जो है ये रोस्टेड मूंगफली हैं, आप चाहे फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने इसे रोस्ट किया है। इसको हम जार में डालेंगे। और ये 2 टेबल स्पून ग्रेटेड नारियल है, कोकोनट जो होता है हमारा, उसको भी हम जार में डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा बारीक हम इसको पीस लेंगे। हमने मूंगफली और नारियल लिया था, उसका जो हमारा एक पाउडर तैयार हो गया है। आप इसको जब शिमला मिर्च में हम स्टफिंग करेंगे तब हम मसालों के साथ इसको मिलाएंगे, तो जो शिमला मिर्च का टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। स्टफ्ड कैप्सिकम के लिए अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए आप ये देखिए, ये मैंने 6 से 7 जो हैं बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं। इनको सबसे पहले हम मैश कर लेंगे इस तरह से। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए, जो पोटैटोज़ हैं हमारे, वो अच्छे से हमारे मैश हो गए हैं। अब हम तैयार करते हैं स्टफिंग। तो उसके लिए हम पैन रखेंगे गैस पर सबसे पहले, और इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे हम। गरम होने देंगे इसको थोड़ा सा। तेल जो है गरम हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, ये देखिए साबुत जीरा है। जीरे को हम थोड़ा सा इस तरह रोस्ट करेंगे इसमें। फ्लेम जो है हाई ना रखें, फ्लेम मीडियम रखें। ये देखिए 5 to 6 गार्लिक क्लोव्स हैं ये, जिनको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप्ड करा है। आप चाहें तो ग्रेटर भी कर सकते हैं, इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब ग्रेटर से। जो गार्लिक है इनको बस हमें हल्का सा, आप देख सकते हैं, बस बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने तक हमें इन्हें रोस्ट करना है इसमें। अब हम, आप देखिए, ये एक हरी मिर्ची है जिसको भी मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के ऑनियन हैं, फाइनली चॉप्ड हैं ये भी। अब इनको हम हल्का सा, जब तक थोड़ा सा पिंकिश नहीं हो जाता इनका ऑनियन का कलर, तब तक इसको इसमें भूनेंगे हम। हमें स्टफिंग को तलने के लिए कुकिंग ऑयल की ज़्यादा मात्रा बिल्कुल नहीं चाहिए, बस 1 टेबल स्पून में ही हमारा सारा काम हो जाएगा। और आपने देखा था, मैंने 2 टेबल स्पून ही यूज़ में ली थी। आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मैश्ड किए थे आलू, वो हम डाल देंगे सारे। अच्छे से इस तरह प्रेस कर लें, तो जो थोड़े बहुत आलू जो है मैश्ड नहीं होंगे वो आराम से इसमें मैश्ड हो जाएंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह हम इसमें भुनेंगे। ये देखिए, तकरीबन मुझे 1 से 2 मिनट हो चुकी है और आप देखेंगे थोड़ा सा आलू का जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमने तैयार किया था पाउडर सबसे पहले इसके लिए मूंगफली और कोकोनट का, तो उसको हम 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसमें।
हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अब हम इसे एक बार अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे 1 से 2 मिनट में अच्छे से मिक्स कर लिया सारा जो मसाले डाले थे। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर, और 1/4 टेबल स्पून डालेंगे गरम मसाला। और साथ ही आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा धनिया है जिसे मैंने चॉप्ड करके रखा हुआ है। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस तरह से शिमला मिर्च बनाएंगे तो आपकी जो स्टफ शिमला मिर्च है बहुत अच्छी बनेगी। और स्पेशली जो मैंने आपको ये मसाला बनाना सिखाया है ना कोकोनट और मूंगफली का, इससे आपकी शिमला मिर्च का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया मैंने इसे। गैस बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि तभी हम इसको फिल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल के रख देंगे। जितने हमारी स्टफिंग जो है ठंडी हो रही है हम उतने क्या करते हैं शिमला मिर्च को, आप ये देखिए इसका जो टॉप है आप इस टॉप को इस तरह से हटाइएगा। और इसके अंदर भी जो इस तरह से साइड में इसके बीज हैं उनको इस तरह से करके निकाल लीजिएगा तो जो एक्स्ट्रा बीज होंगे वो इसमें से निकल जाएंगे। और अगर पीछे से ये इवन नहीं हो, क्योंकि जब हम इसे रखेंगे तो इस तरह से आराम से रख जाएं, अदरवाइज़ इवन नहीं हो तो आप इसका थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं पार्ट। देख सकते हैं सब में हमने होल कर लिया था। और ये देखिए जो स्टफिंग है वो भी ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसको इसमें फिल करेंगे। जितना आ जाए उतना आराम से अच्छे से फिल कीजिएगा क्योंकि स्टफिंग है, स्टफिंग तो तभी अच्छी लगती है स्टफ चीज़ें जब उसमें अच्छे से फिल हो। क्योंकि अगर हम इसमें कम मसाला भरेंगे तो जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो हमें टेस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए अच्छा सा है कि हम इसमें अच्छे से इस तरह प्रेस कर करके फिल कर दें। देखिए हमने सारी में क्या है स्टफिंग भर दी है। और आप देख सकते हैं नीचे से जैसे जो इवन नहीं था क्योंकि रखने में फिर प्रॉब्लम आती है तो मैंने इसका नीचे से थोड़ा सा जो पार्ट था वो कट कर लिया। तो इससे ईजिली ये इस तरह से हमारी फ्राई पैन में आराम से प्लेस हो जाएगी। तो ये देखिए फ्राई पैन रख दिया है और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे हम अच्छे से। और कुकिंग ऑयल जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ जो भी आप अपने घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून ही जीरा डालेंगे क्योंकि जीरा हम ऑलरेडी भी डाल चुके हैं स्टफिंग में। और जो हमारी स्टफ हमने तैयार करके रखी है शिमला मिर्च इस तरह इसको प्लेस कर देंगे इस पर। लेकिन हमें इन्हें अभी हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं लेकिन हमें इन्हें बार बार इसमें चेक करते रहना होगा क्योंकि हमें इन्हें पलट पलट कर अच्छे से सब तरफ से सेकना होगा। आप ये देखिए जैसे फिर से इसको 2 मिनट हो चुकी है तो हमें इसे पलट के फिर से सेकना है। हमें इन्हें चारों तरफ से सेकना है तो आप ये देखिए इसको जैसे मैंने इस तरह से कर दिया है चारों तरफ से बस अच्छे से सिक जाए। शिमला मिर्च को जो है सिकने में टाइम नहीं लगता इसलिए आपको चेक बिल्कुल इसको इस टाइम फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे रखें और इस तरह बार बार से मैं इसको पलटते देखते रहें। आप देख लीजिए कि अच्छे से आराम से सिकती जा रही है सब तरफ से।
ये देखिए मैंने दूसरी साइड से भी इनको अच्छे से फ्लिप कर दिया है। अगेन से हम इनको कवर करके रख देंगे एक मिनट के लिए। बीच बीच में आप देखते रहें और फ्लेम बिल्कुल आप लो रखें, जिससे क्या हो ये अंदर तक चारों तरफ से अच्छे से सीख जाए। एक बार हम चेक कर लेते हैं, मैंने इसको बीच में एक बार और ओपन करके सारी तरफ से अच्छे से सेक दिया था। आप देख सकते हैं जो हमारी स्टफ्ड शिमला मिर्च है बनकर तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला जो अंदर तक भुन चुका है और मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। गैस हम बंद कर देंगे और इन्हें दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। ये आप देख सकते हैं हमारी स्वादिष्ट स्टफ्ड कैप्सिकम बनकर तैयार हो चुकी है। और हम इसकी गार्निशिंग के लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है और पनीर को हम इस तरह से ग्रेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है हमारी स्टफ्ड कैप्सिकम। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।